हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास सेवन्थ की साइंस का चैप्टर फोर, दैट इज़ हीट, जो हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसके टेक्स्चुअल क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले, जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट टेक्स्चुअल क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर हीट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर। हमने लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा था, आपको बतानी है इनमें सिमिलैरिटी क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है, सेम चीज़ें क्या हैं और अलग अलग चीज़ें क्या हैं। तो सबसे पहले आई बात आई है आपकी सिमिलैरिटी की। सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों क्लिनिकल और लेबॉरेटरी थर्मोमीटर जो हैं वो लॉन्ग लंबे हैं, नैरो हैं, शार्प से हैं, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब्स के बने हुए हैं, और जो बल्ब हैं दोनों थर्मोमीटर के, उन दोनों में क्या है, मर्करी है। और डिफरेंस इनमें क्या है कि जो टेम्परेचर रेंज है क्लिनिकल थर्मोमीटर की वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक है, जबकि लेबॉरेटरी थर्मोमीटर की जो रेंज है टेम्परेचर की वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक है। नेक्स्ट इसमें डिफरेंस है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर हम यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का, जबकि लेबॉरेटरी थर्मोमीटर हम यूज़ नहीं कर सकते ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नोट करने के लिए, वो हम अदर ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नोट करने के लिए यूज़ करते हैं। लीस्ट काउंट जो दोनों की है वो डिफरेंट है, मीन लीस्ट वैल्यू, कम से कम जो वैल्यू है थर्मोमीटर की वो दोनों की डिफरेंट है। अनलाइक जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसे हम टिल्टेड कर सकते हैं, लेकिन लेबॉरेटरी थर्मोमीटर जो है उसको हमेशा क्या रखना पड़ता है, अपराइट करना रखना पड़ता है रीडिंग जो है टेम्परेचर की वैल्यू की नोट करने के लिए। और आपने ये भी देखा था कि क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर है वो एकदम से डाउन नहीं करता, लेकिन लेबॉरेटरी थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर है वो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट में से बाहर निकालते हैं तो उसी टाइम पे वो डाउन हो जाता है। तो ये आपके क्या थे, सिमिलैरिटी और डिफरेंस किसके बीच में, क्लिनिकल एंड लेबॉरेटरी थर्मोमीटर के बीच में। नेक्स्ट आपको पूछा है क्वेश्चन नंबर टू में, आपको एग्जाम्पल बताने हैं, टू एग्जाम्पल बताने हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट के। तो आपको पता है कंडक्टर ऑफ हीट मीन्स वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट को एलो करते हैं, हीट को एलो करते हैं अपने में से पास होने के लिए, जो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, और इंसुलेटर वो होते हैं जो अपने में से लाइट हीट को पास नहीं होने देते। तो कौन से एग्जांपल होंगे आपके कंडक्टर के, दैट इज़ एल्युमिनियम और आयरन जो हैं वो गुड कंडक्टर हैं हीट के, वो एग्जांपल होंगे कंडक्टर के, और इंसुलेटर के हो जाएंगे आपके वुड और प्लास्टिक, क्योंकि इसमें से हीट जो है वो पास नहीं होती। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स हॉटनेस, हम कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ जो है गर्म है, वो हमें पता चलता है उसके टेम्परेचर से। तो यहाँ पे आपका आएगा टेम्परेचर। बी पार्ट में पूछा है टेम्परेचर जो बॉइलिंग वाटर का है वो हम मेज़र नहीं कर सकते कौन से टेम्परेचर थर्मामीटर से, हमें पता है ऑब्जेक्ट की हमें जो टेम्परेचर नोट करने के लिए हम कौन सा थर्मामीटर यूज़ करते हैं, लेबॉरेटरी थर्मामीटर। तो कौन से थर्मामीटर से हम नहीं यूज़ कर सकते, दैट इज़ क्लिनिकल, यहाँ पर क्लिनिकल आएगा। सी पार्ट में पूछा है आपको टेम्परेचर जो है मेज़र करते हैं हम डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में। नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ डैश, कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ हीट की, जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो होती है आपकी रेडिएशन। रेडिएशन को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए ट्रांसफ़र ऑफ हीट की प्रोसेस के लिए। ई पार्ट आपका, एक कोल्ड स्टील स्पून अगर आप डिप करते हैं हॉट मिल्क में, कप ऑफ हॉट मिल्क में, तो वो ट्रांसफ़र करता है, हो जाती है उसमें हीट जो है दूसरे एंड तक, स्पून के दूसरे एंड तक। तो वो कौन सी प्रोसेस है जिससे हीट जो थी वो स्पून के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच गई, दैट इज़ योर कंडक्शन। नेक्स्ट पार्ट है आपका लेफ्ट वाला, क्लॉथनेस जो होती है ऑफ डैश कलर एब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लॉथ्स ऑफ लाइट कलर, कौन से कलर के क्लॉथ जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं हीट किससे बेटर, लाइट कलर से। तो नेचुरली डार्क कलर के जो क्लॉथ होते हैं वो ऑब्जॉर्व करते हैं हीट ज़्यादा एज कंपेरिजन टू लाइट कलर के क्लॉथ से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर फोर है, आपको मैच दी फॉलोइंग यहाँ पे करने हैं, ये हमें ऑलरेडी टॉपिक जो है सबके सब हमने डिस्कस किए हुए हैं अपनी वीडियो में। लैंड ब्रिज जो है ब्लो करती है, कब करती है लैंड ब्रिज, ड्यूरिंग नाइट। सी ब्रिज कब करती है, ड्यूरिंग डे। डार्क कलर जो क्लॉथ जो है हम कब प्रेफर करते हैं, कब डालते हैं, विंटर में डालते हैं ताकि हीट जो है एब्जॉर्ब हो, और लाइट कलर के क्लॉथ हम कब डालते हैं, वो हम समर में डालते हैं। ये थे आपके मैच द कॉलिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर फाइव है, डिस्कस कीजिए कि क्यों वेयरिंग जो मोर लेयर है क्लॉथिंग की ड्यूरिंग विंटर हमें वार्म रखती है एक थिक पीस ऑफ क्लॉथिंग पहनने की बजाय, मीन्स हम एक मोटा कपड़ा नहीं पहनते, हम बड़े सारे क्लॉथिंग एक एक लगाते हैं उसके, दूसरे विंटर में जब ज़्यादा सर्दी होती है तो कितने सारे कपड़े लगा लेते हैं, वो क्यों लगाते हैं, उसके बजाय हम एक थिक क्यों नहीं लगाते। होता क्या है कि जब विंटर्स होती हैं तो हम क्या प्रेफर करते हैं, ज़्यादा कपड़े लगाना प्रेफर करते हैं एक मोटे कपड़े, थिक कपड़े के लगाने की बजाय, क्यों,
क्योंकि एयर जो है वो ट्रैप हो जाती है अलग अलग क्लॉथिंग की लेयर में, एक में से पास हो भी जाएगी तो दूसरी में ट्रैप हो जाएगी, दूसरी में से हो जाएगी तो तीसरे में ट्रैप हो जाएगी, एक ना एक में तो लेयर में ट्रैप हो ही जाएगी। वो पूरा कंडक्टर ऑफ हीट होने के कारण जो एयर है वो प्रिवेंट करती है हीट लॉस कहाँ से, हमारी बॉडी से। इसीलिए जो लेयर्स होती हैं क्लॉथिंग की वो हमें वार्मर रखती हैं सिंगल लेयर के कंपेरिजन में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, फिगर देखिए, मार्क कीजिए वेयर द हीट इज़ बिंग ट्रांसफर्ड। हीट कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है, कंडक्शन से कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है, कन्वेक्शन से कहाँ पे हो रही है और रेडिएशन से कहाँ पे हो रही है। तो सबसे पहले जो ट्रांसफ़र है हीट की वो बर्नर से पैन में जा रही है। यहाँ से बर्नर से क्या गर्म हो रहा है आपका पैन, वो कहाँ से कैसे हो रहा है, यहाँ पे आपकी रेडिएशन जा रही है, बर्नर से रेडिएशन जा रही है जिसके कारण आपका पैन जो है वो हीट हो रहा है। उसके बाद जो हीट पैन से है वो वाटर में जा रही है, वो कौन सी प्रोसेस से हो रही है, कंडक्शन जो हमने वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। और जो हीट है वाटर की वो कन्वेक्शन से ट्रांसफ़र, जो हीट हो रही है वाटर के अंदर वो कन्वेक्शन से हो रही है। कन्वेक्शन मीन्स जो ठंडा पानी था वो नीचे चला जाएगा और जो गर्म पानी है वो ऊपर आ जाएगा। ये तीनों प्रोसेस यहाँ एक ही फिगर में हो रही हैं। रेडिएशन कब हो रही है, जब बर्नर से पैन पे जा रही है, पैन से जब पानी में जा रही है तो कंडक्शन हो रही है, और पानी ऊपर नीचे ठंडा गर्म ऊपर नीचे होने से आपकी कन्वेक्शन हो रही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि जो प्लेसेस हॉट क्लाइमेट होता है, जिन प्लेसेस पे वहाँ पे एडवाइस किया जाता है कि जो उनकी आउटर वॉल है उनके घरों की उनको वाइट रखा जाए, तो क्यों ऐसा क्यों बोला जाता है। देखिए जहाँ का क्लाइमेट जो होता है हॉट हो जाता है उनको एडवाइस किया जाता है कि उनके घरों की जो दीवारें हैं बाहर वाली उनको वाइट ही पेंट किया जाए, क्योंकि जो लाइट कलर होता है वो वाइट जो आपका जैसे कि वाइट कलर है वो रिफ्लेक्ट कर देता है सन की लाइट को, जो भी हीट उन पे पड़ती है उसको क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। और लाइट कलर की वजह से जो हाउस है वो क्या रहता है, कूल रहता है। इसलिए एडवाइस दी जाती है कि वहाँ की दीवारें क्या होनी चाहिए, वाइट कलर की होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि अगर 1 लीटर वाटर का अगर आप 30 डिग्री सेल्सियस पे इसको मिक्स करते हो इसके साथ 1 लीटर ऑफ वाटर जिसका टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेल्सियस, मीन्स 1 लीटर वाटर जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है उसको आप मिक्स कर रहे हो दूसरे वाटर के साथ जिसका टेम्परेचर आपका 50 डिग्री सेल्सियस है, और टेम्परेचर जो मिक्सचर का क्या होगा, 80 डिग्री सेल्सियस होगा, मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस होगा, लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस होगा, या 20 डिग्री सेल्सियस होगा, या बिटवीन 30 एंड 50 होगा। देखिए जो टेम्परेचर मिक्स करने के बाद होगा वो 30 और 50 के बीच का होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर 50 अगर बड़ा ज़्यादा भी था तो 30 वाला कम भी तो था, उसने भी तो उसको कम किया होगा। जब आप ठंडे को गर्म में डालते हो तो वो इतना गर्म ही रहता, वो बढ़ता तो है नहीं, थोड़ा सा कम होगा, इसका मतलब 30 से लेके 50 के बीच में होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक आयरन बाल है 40 डिग्री सेल्सियस पे, वो ड्रॉप हो रही है एक मग के अंदर जिसके अंदर वाटर कितना टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस का है, ठीक है। तो हीट जो है वो क्या करेगी, वो फ्लो करेगी आयरन बॉल से वाटर में, या फ्लो नहीं करेगी आयरन बॉल से वाटर में, फ्रॉम वाटर से आयरन बॉल में करेगी, या फिर फ्लो करेगी वाटर से आयरन बॉल में, और या फिर इंक्रीज हो जाएगा दोनों का टेम्परेचर। देखिए हीट जो है वो फ्लो नहीं करेगी आयरन बॉल टू वाटर, ना ही वाटर से आयरन बॉल में, क्योंकि दोनों सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या है, सेम। बॉल का टेम्परेचर भी 40 डिग्री सेल्सियस है, ऊपर वाटर का टेम्परेचर भी आपका 40 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे किसी का भी जो फ्लो है हीट का आगे पीछे नहीं होगा, दोनों का सेम ही टेम्परेचर है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि एक वुडन स्पून है उसको डिप कर रहे हैं आप एक कप ऑफ आइसक्रीम में, उसका दूसरा एंड जो है वो क्या होगा, कोल्ड हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, या कोल्ड हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, या कोल्ड हो जाएगा रेडिएशन की प्रोसेस से, या कोल्ड होगा ही नहीं, ठीक है। देखिए उसका अदर एंड जो है वो कोल्ड नहीं होगा, क्योंकि वुड जो है आपको पता है वो बैड कंडक्टर है हीट का, वो हीट को ट्रांसफ़र ही नहीं होगी उसके एक एंड से दूसरे एंड तक, तो कोल्ड होने की तो बात ही नहीं है। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि जो स्टेनलेस स्टील पैन जो होते हैं उनमें ज़्यादा क्या प्रोवाइड किया गया था, कॉपर के बॉटम होते हैं। अब देखा होगा यूटेंसिल जो होते हैं वहाँ पर क्या होता है, स्टील के नीचे कॉपर के बॉटम लगाए गए होते हैं। तो रीज़न इसका क्या है कि कॉपर का जो बॉटम है वो पैन को क्या ड्यूरेबल बनाता है, बेहतर बनाता है, या उसको कलरफुल बनाया जाता है पैंस को, जहाँ कॉपर जो है आपका बेटर कंडक्टर है हीट का, किससे, स्टेनलेस स्टील से, जो कॉपर जो है वो ईजियर है क्लीन करना स्टील के कंपेरिजन में, कॉपर जो है ईजिली क्लीन हो जाता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है, इसका ऑप्शन यही है कि कॉपर जो होता है आपका बेटर कंडक्टर होता है स्टेनलेस स्टील के कंपेरिजन में, ताकि आपके हीट जो है अच्छे से प्रोड्यूस हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, इसीलिए यूज़ किया जाता है आपके
कॉपर का, ठीक है। तो ये थे आपके आज के टेक्सचर क्वेश्चन, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है टाइम टू टाइम मिलती रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।